14 अगस्त 2023 में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो अपलोड हुई थी, द गोस्ट ऑफ मरीन ड्राइव। हमारे मुंबई शहर के मरीन ड्राइव इलाके में शायद रात को जाना अवॉइड करना चाहिए। लोगों का मानना है कि अंजलि की रूह को कभी शांति नहीं मिली, एंड मरीन ड्राइव में रात को 2 बजे के बाद अंजलि का समय चालू हो जाता है एंड वो मरीन ड्राइव के पूरे एरिया में रात भर घूमती रहती है। एंड देखते ही देखते ये वाला वीडियो 1,60,00,000 लोगों ने देख ली एंड ये पूरे इंटरनेट पे वायरल हो गई। ये वही वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि अंजलि नाम की लड़की जो कि जय हिंद कॉलेज में पढ़ा करती थी, वो मरीन ड्राइव में जाके अपनी जान दे दी थी अपने प्यार के वजह से। एंड आज भी ये कहा जाता है कि उसकी रूह वहाँ पे भटकती है, खासकर रात के 2 बजे के बाद। एंड उस वीडियो के बाद कई सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आने लग गए, मुझसे सवाल पूछने लग गए कि अमान भाई ये सच है कि झूठ है, या फिर इसकी पूरी सच्चाई क्या है। आज मैं इस वीडियो में मरीन ड्राइव की पूरी घटना को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि इसका ठोस सबूत आज तक किसी को नहीं मिल पाया है, लेकिन मरीन ड्राइव में रहने वाले लोग इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा इंसान अंजलि के प्रेत को कभी ना कभी देख ही लेता है, चाहे जिंदा या मुर्दा। ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे और हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये बात है 2020 की, जब अंजलि नाम की लड़की जय हिंद कॉलेज में पढ़ा करती थी एंड वो विल्सन कॉलेज के लड़के इमरान के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग गई थी। वो लोग रिलेशनशिप में भी थे कई सालों तक, लेकिन एक बार की बात है जब अंजलि ने इमरान को एक दूसरी लड़की के साथ पकड़ लिया। बट अंजलि वॉज प्रिटी कूल कि शायद से वो लोग सिर्फ एक दोस्त हो गए, या फिर क्या पता साथ में घूम रहे हो गए। लेकिन देखते ही देखते इमरान ने अपनी हद पार कर दी एंड अंजलि ने एक दिन इमरान को रंगे हाथों पकड़ लिया किसी और लड़की के साथ। एंड क्योंकि अंजलि इमरान से बहुत मोहब्बत करती थी, उससे ये सब कुछ सहा नहीं गया एंड उसी रात उसने मरीन ड्राइव में जाके अपनी जान दे दी। एंड क्योंकि शायद मरीन ड्राइव में उस दिन हाई टाइड था, इसीलिए वो वहाँ पे मारी गई, वरना मरीन ड्राइव पे इतना पानी तो नहीं होता कि किसी की जान चले जाए। ऊपर से अंजलि अनाथ थी, इसी वजह से किसी को उसकी परवाह नहीं हुई कि वो जिंदा है कि नहीं है। जहाँ तक कि कॉलेज की बात रही, उसी समय लॉकडाउन भी लग गया था 2020 में, इसलिए शायद से कॉलेज वालों ने भी ज़्यादा गौर नहीं किया इस बात पे कि शायद से कई लोग मुंबई में रह रहे हैं, कई लोग बाहर चले गए, किसी को परवाह नहीं हुई उसकी। जहाँ तक बात है इमरान की, उसने शुरुआत में इसके बारे में पता करने की काफ़ी कोशिश करी कि आखिर अंजलि गई कहाँ। लेकिन जब कुछ समय बाद एक समुंदर के किनारे उसकी लाश मिली तो इमरान काफ़ी डर गया एंड उसने सोचा मैं अपना मुंह बंद ही रखूं, वो ही सही रहेगा। ये थी अंजलि की मौत की कहानी। अब बात करते हैं उस कहानी के बारे जो कि आपको रात में मरीन ड्राइव पे जाने से हमेशा के लिए रोक देगी। ये बात है 2021 की, जब अतुल नाम का लड़का मरीन ड्राइव के पास के ही एक कॉल सेंटर में काम किया करता था एंड लॉकडाउन से पहले तो अतुल का यहाँ से रोज का आना जाना था, लेकिन लॉकडाउन के बाद अतुल ने नाइट शिफ्ट ले ली एंड लॉकडाउन के बाद यह अतुल का पहला दिन था। एंड जब वो अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके रात में निकल ही रहा था वहां से, तभी उसने सुना कि एक लड़की रो रही है मरीन ड्राइव के पास, चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन उसे सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, कोई आसपास दिख नहीं रहा है। फिर उसने बाइक को साइड में लगाया क्योंकि उसे लगा कि शायद किसी को मेरी मदद चाहिए। एंड जब वो रास्ते में उतरा तो उसने देखा कि रास्ते में सिर्फ खून था, बहुत सारा खून। ऐसा लग रहा था कि वो खून नहीं बल्कि पानी है, क्योंकि वो खून रुक ही नहीं रहा था। फिर अतुल ने उस खून का पीछा किया कि इतना ज़्यादा खून आ किधर से रहा है। फिर उसने देखा कि मरीन ड्राइव के बॉर्डर के ऊपर वो लड़की बैठी हुई है एंड अपना सर पटक रही है, वहीं से ये खून आ रहा था। अतुल को ये सब कुछ एकदम अनरियल लगा, उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है कि ये सब कुछ हो कैसे सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल। फिर अतुल उस लड़की के थोड़े और करीब गया एंड उस लड़की से पूछा कि आपका नाम क्या है एंड उस लड़की ने साफ साफ कह दिया कि मेरा नाम अंजलि है। उस समय अतुल वहां पे अकेला खड़ा था क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में सेक्शन 144 भी लगा हुआ था, रात को वहां से कोई नहीं निकलता था।
2021 के शुरुआत में लॉकडाउन भी था, तो अतुल वहां पे अकेला खड़ा था अंजलि के साथ। अतुल को ये सब कुछ देख के बिल्कुल सही नहीं लग रहा था एंड उसने सोचा कि इससे पहले मेरे साथ कोई हादसा हो जाए मैं यहां से निकल जाता हूं, क्योंकि ये अंजलि चीज जो भी है मगर जिंदा तो बिल्कुल नहीं लग रही। अतुल जल्दी से गया अपने बाइक के पास, अपनी बाइक शुरू करी एंड जैसे ही वो वहां से निकलने लगा उसने देखा कि अंजलि भी उसका पीछा कर रही है, वो भी तेजी से। अतुल कैसे कैसे करके उस इलाके से बाहर निकला एंड अतुल कांदीवली के ठाकुर विलेज में रहा करता था, वहां पे पहुंच गया। लेकिन उसे कम से कम एक हफ्ते के लिए बुखार चढ़ गया एंड कुछ दिनों बाद उसने वो कॉल सेंटर से भी काम छोड़ दिया। आज भी मरीन ड्राइव में रात को बहुत भीड़ होती है, चाहे सुबह हो, रात हो, दोपहर हो, मरीन ड्राइव को कोई फर्क नहीं पड़ता, भीड़ वहां पे हमेशा रहती है। एंड लोगों का पहला सवाल मुझसे यही रहता है कि अमान भाई मरीन ड्राइव में तो लोग मोस्टली रात को ही जाना पसंद करते हैं, हम भी गए हैं, हमें कभी कुछ नहीं दिखा। मैं इसका जवाब सिर्फ ऐसे ही देना चाहूंगा कि आपके आसपास भी अभी कितनी कहानियां घूम रही है आपको पता भी नहीं होगा। क्या पता आपके आसपास अभी जो लोग हैं शायद वो जिंदा भी हो सकते हैं और मुर्दा भी हो सकते हैं। अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मरीन ड्राइव एक बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन सिर्फ पल भर की बात होगी और अंजलि आपके सामने होगी। आजकल के लोग सिर्फ कूल बनने के लिए कमेंट सेक्शन और आसपास ये कहते रहते कि भाई ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक रात की बात होगी जब कोई आत्मा आपकी छाती पे बैठ के आपको ये यकीन दिला देगी कि ऐसी एक और एक दुनिया है जिससे इंसानों को डर के रहना चाहिए।